कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा। भारत की बर्बादी जन जाति रहेगी और चलिए कांग्रेस पार्टी को रोजों के पक्ष में अभियान चलाए। हमारी चाहिए राहुल गांधी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जेल से छूटकर आने के बाद कन्हैया ने जिस तरह से बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसने बीजेपी को भी आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया है। पार्टी के युवा मोर्चा के अधिवेशन में पिछले दिनों से कन्हैया और जेएनयू पर जंग छिड़ी है। कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए, कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। मोदी जी हिटलर की भी बात कर रहे हैं। मथुरा के भक्तिमय माहौल में बीजेपी का युवा मोर्चा मंथन कर रहा है, लेकिन नजर दिल्ली वाले कन्हैया पर है। बहाना जेएनयू विवाद है और निशाने पर है वामपंथी। अरुण जेटली मौजूदा विवाद को 69 साल पीछे लिए जाते हैं और समझाते हैं कि जेएनयू में आजादी मांगने वालों के वैचारिक पुरखे आजादी के दिनों में क्या सोच और मांग रहे थे। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर आवाज उठाई तो शायद हम लोग याद करें कि उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण रूप से विरोध किया। बीजेपी के युवा नेता अनुराग ठाकुर ने इस विवाद में कन्हैया कन्हैया करने वालों को हताश कह दिया है। उन्होंने कन्हैया के बहाने पूरे विपक्ष को लताड़ा है। कहते हैं मोदी की लोकप्रियता की नद उफनाई है तो उनकी नैया डूब रही और कन्हैया याद आ रहा। वहां पर एक बार फिर जंगल राज पैदा हो गया। कम्युनिस्ट जिनके समय कत्लेआम छेड़ेआम होता था केरल में भी और वेस्ट बंगाल में, आज उनकी नैया डूब रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंथन में धुरंधर नेता आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने में चार कदम आगे हैं। मानते हैं कि देश को भगवान का वरदान मिला है जो मोदी सत्ता में आए हैं, और कांग्रेसियों को मोदी सपने में भी सताते हैं उनकी तो नींद ही हराम हो गई है। जिस जेएनयू पर पिछले 3 हफ्ते से हल्ला बोल चल रहा है, वो कन्हैया की जेल से वापसी के बाद और तीखा होता जा रहा है। खासकर कन्हैया के मोदी पर सीधे हमले से उसकी मंशा साफ हो गई है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उसे समर्थन देने वाले विपक्ष का इरादा भी जाहिर हो गया है। इसलिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जेएनयू पर जंग जारी है। मथुरा से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल से शुरू हुए बीजेपी युवा मोर्चा के अधिवेशन में पार्टी कन्हैया के बहाने जेएनयू विवाद और पूरे विपक्ष पर हमलावर है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने जमकर कन्हैया पर हमला बोला है और भी बातें जेएनयू पर हुई हैं, खास करके राहुल गांधी भी निशाने पर थे यहाँ अनुराग ठाकुर के। कल अमित शाह और स्मृति ईरानी दोनों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और आज अनुराग ठाकुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्हैया पर जमकर निशाना साधा है। तो एक बार फिर अब कन्हैया, क्योंकि बार बार जेल से जब छूटा था तो उसने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, उन्हें अपने निशाने पर लिया था, और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस सालाना सम्मेलन में कन्हैया जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष
निशाने पर है भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और युवा नेताओं के साथ साथ इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सभी ने कन्हैया की आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया है कि दूसरा जना जेएनयू से पैदा नहीं होने दिया जाएगा। तो कन्हैया ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी को वरदान बताया है देश के लिए। मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए, मंत्री जी का आदर नहीं है, बोलना पड़ेगा ना। 3 साल और झेलना है, इतनी जल्दी यह देश अपनी रेसिडेंसी लूज नहीं कर सकता है। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। इस विवाद ने देश की राजनीति में बहस का नया मंच तैयार कर दिया। कन्हैया के बहाने 2 मोर्चे खुल गए, एक मोर्चा सरकार के साथ है और दूसरा मोर्चा कन्हैया के साथ। कहने को अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार हैं, लेकिन सरोकार उनके सियासी हैं। जेएनयू के बहाने मोदी सरकार को घेरने का मौका खोज रहे हैं, इसलिए बीजेपी के अध्यक्ष ने युवा मोर्चा अधिवेशन के पहले दिन ही राहुल गांधी को लपेटा। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ता को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? अमित शाह ने जेएनयू के नारों के बहाने अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा पूछी और ये भी जानना चाहा कि ये आजादी कब देशद्रोह की सीमा में दाखिल हो जाती है। राष्ट्रद्रोही नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कपड़े पहनाने का प्रयास हो। इस देश के राजधानी के अंदर, किसी विश्वविद्यालय के अंदर भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखो, पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया मैं क्या देख रहा हूँ। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस। जेएनयू पर सदन में अपने भाषण से चर्चा में आने वाली स्मृति ईरानी ने भी कहा कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरु का समर्थन करने वालों ने दुर्भाग्य से इसे अभिव्यक्ति की आजादी का तमगा दे दिया है। भला वो कैसी अभिव्यक्ति थी और किस आजादी की मांग की जा रही थी? अदालत क्या करेगा कि क्या देशद्रोह है और क्या देशभक्ति है, यह तय मैडम स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगी, क्योंकि हम उनके बच्चे नहीं। घोषणाएं करेंगे राष्ट्र को भंग करने की, तोड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा मुंह तोड़ जवाब देगा, राष्ट्र को खंडित होने नहीं देगा। जिन लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया, जिन लोगों ने मकबूल भट्ट का समर्थन किया, जिन लोगों ने याकूब बेरेन का समर्थन किया, ये देश का दुर्भाग्य था कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनका साथ दिया और कहा ये अभिव्यक्ति की आजादी है। 3 दिन के इस अधिवेशन में पहले 2 दिन तमाम बड़े नेताओं ने कन्हैया के बहाने कभी राहुल को कोसा तो कभी जेएनयू पर सवाल खड़े किए। छात्र राजनीति जो हैदराबाद में रोहित वेमुला की मौत और पुणे के प्रदर्शन के साथ तेज हुई है, अब जेएनयू और जाधवपुर के सहारे गर्म है। आने वाले सूबों के चुनाव को देखते हुए साफ हो गया है कि मुद्दों में कन्हैया
और जेएनयू अपनी बड़ी जगह बनाता रहेगा। मथुरा से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया पर देशव्यापी बहस छिड़ी है। जो कन्हैया जेएनयू में भाषण देकर हीरो बना, उसे पंजाब की 15 साल की एक लड़की ने बहस करने की खुली चुनौती दे दी है। तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि जेएनयू में किसी दूसरे जिन्ना को पैदा नहीं होने दिया जाएगा। जेएनयू वालों को यह गुमान है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी समझ दूसरे आम छात्रों से बेहतर होती है। तो लीजिए, आपके सबसे समझदार छात्र, छात्र संघ के अध्यक्ष और भावी नेता को बहस की चुनौती मिल गई है, वो भी 15 साल की एक छोटी सी लड़की से, जिसके दिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों की छाप पड़ गई है। बदनाम करने के लिए ही कन्हैया को अलग अलग जगहों से चुनौती मिल रही है। मुंबई में फिल्मी दुनिया से जुड़े कलाकारों ने भी कन्हैया के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। अब ये बहस देशव्यापी है कि कौन सही है कौन गलत, देश प्रेम की परिभाषा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कहां तक हो। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिन्हें विपक्ष क्रांतिकारी और नेता बता रहा है, उनके बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी भी पढ़ी जानी चाहिए। कन्हैया के बहाने निशाने पर जेएनयू है। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा है कि जेएनयू में कोई दूसरा जिन्ना पैदा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कन्हैया को मिली अंतरिम जमानत की भी याद दिलाई। देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे, और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। अब तो इस बहस में फतवे भी जारी होने लगे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक जिला अध्यक्ष ने तो कन्हैया की जीभ की कीमत तक रख दी। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस कन्हैया की, इस दुष्ट कन्हैया की जो भी व्यक्ति जीप काट के लाके देगा, मैं उसको नगद 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हालांकि ये कीमत लगाना बड़ा महंगा पड़ा। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया है, लेकिन मुद्दा गर्म है और हर जगह से उसमें बयानों की आहुतियाँ पड़ रही है। जेल से आने के बाद कन्हैया को मिले मीडिया कवरेज ने उसकी आंखों में राजनीतिक भविष्य के सपने भर दिए हैं, महत्वाकांक्षा के महल को और ऊंचा कर दिया है। वरना जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने वाले छात्र के पास सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने का कोई लोकतांत्रिक आधार नहीं है। जेएनयू और कन्हैया बीजेपी के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो फिलहाल जगाए रखना चाहती है। तभी तो पार्टी का हर नेता कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहा है कि किस तरह वैचारिक लड़ाई में जीत दर्ज की जाए, और अब इस मुद्दे को देश भर में लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, मथुरा आज तक। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं उस रात जेएनयू में कन्हैया ने क्या क्या कहा था। सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दिया। तो हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं है। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हो, चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे प्रमिला हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देश द्रोही पता करके जेएनयू की आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कन्हैया से राहुल कंवल की सीधी बात अब से कुछ ही देर में।